वाह वाह वाह, ये आवाज बस काफी है भाई। अब तो भाग्यशाली है कि इतने गायों के साथ रहते हैं। ओ, अगले जन्म की कोई कमाई होती तभी इसमें हमें जन्म मिला है। रोआ फोर्ट, वहाँ पे तीन खन चित्ते हैं जिसका त्रास है उन साइड, लेकिन यहाँ पर कभी कभी इसका पाँव के निशान देखे, लेकिन आज तक आया नहीं है, ऐसे गायों के अटक नहीं किया है। अच्छा, हाँ। और ये कांकर गाय पे अटक कर भी नहीं कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार होती है, जैसे कि वो जानवर इससे डर जाते। लाखिया हमने ढूरी दिया था और वहां से वो पंजाब 3,91,000 में लग गया है वहाँ। अच्छा, और लाखिया आपके पास कहाँ से आया था? हमारे पास आया था जो यहाँ पे अपना पुंडराजपुर गांव है, जो हाजी पुंडराजपुर, हाजी यहाँ से आया था हमारे पास। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आए कच्छ का जो गंगण गांव है उसी पर, और ये प्रॉपर नखत्राणा के पास में ही है। तो भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खूबसूरत यहाँ पर कांग्रेस गौ माता है, और यहाँ की जो खूबसूरती है, जो सबसे ज्यादा जो फेमस बोल रहा था उसकी यहाँ पर प्रयोजनी है, तो पूरा अपने यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई, थोड़ा हमारे पशुपालक भाई को थोड़ा अपना परिचय बताए। जी, हमारा नाम रबारी जैसा भाई मोमो भाई है। हम गंगोण गांव और तालुका हमें नखत्राणा। अच्छा, यस। ओ, प्रॉपर आप यहाँ से ही है क्या? यहाँ से, यहाँ गंगोण से। अच्छा जी, तो आप, आपके पास कितने वर्षों से गाय है? हमारे पास, हमारी ये सातवीं पीढ़ी है। अच्छा जी, हमारे पास कांकरेज ही गाय रही। अच्छा 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 जी, आपके पास यहाँ पर खूबसूरत अपन कांकरेज गौ माता देख पा रहे हैं। हाँ, तो कौन से बुल के ये सभी प्रयोजन? ये जो व्हाइट व्हाइट है, जो ये है, ये सब व्हाइट व्हाइट जो बड़े सिंगे वाली है, ये सब लाखी बुल की जो ढूरी हमने दिया था। अच्छा, दो सवा दो लाख में दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। लाखिया बुल की है? हाँ, लाखिया व्हाइट बुल है जो लाखिया। अच्छा अच्छा, उसकी उसकी प्रयोजन कितनी है आपके पास वैसे? क्या कितनी है टोटल गौवंस लाखिया बुल की? लाखिया बुल की हमारे पास कम से कम 35 से 36 बच्चियां हैं। अच्छा, हाँ। और बीटू में एवं दूध में कैसी आ रही है? दूध में लाखिया की बुल, ये लाखिया बुल की जो बच्चियां हैं। अच्छा, वो अभी हमारे पास पहले बेतल में कम से कम 4.5 से 5 लीटर दूध देती है। अच्छा, वो उसका बछड़ा भी दावता है, जैसे कि लीटर लीटर डेढ़ लीटर वो बछड़ा भी दूध पीता है। दूध पीता है, अब चरवाते है वैसे। वाह, और एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं? केयर नहीं है, तो इस जंगल के अंदर जो घास फूस खा के भी इतना 5 से 6 लीटर दूध देती है। अच्छा, और ये कौन से बुल की है? ये लाखिया बुल की, ये भी लाखिया की है। हाँ। जी जी जी, देखो भाई ये लाखिया की है, और वहाँ सब व्हाइट व्हाइट सब दिख रही है जो बड़े बड़े सिंगे। हाँ जी, ये सभी लाखिया की है। और लाखिया अभी कहाँ बोला? वो लाखिया हमने ढूरी दिया था और वहाँ से वो पंजाब 3,91,000 में लग गया है वहाँ। अच्छा, और लाखी आपके पास कहाँ से आया था? हमारे पास आया था जो यहाँ पे अपना पुंडराजपुर गांव है, जो हाजी पुंडराजपुर, हाजी यहाँ से आया था हमारे पास। और लाखिया का बाप? लाखिया का बाप मुजड़ा ढगा था। मुजड़ा ढगा, और माँ कौन थी? माँ उसकी थी लाखी। लाखी, हाँ, जो फेमस है। जो फेमस, जी जी। यहाँ पर आ जाइए आप थोड़ा। तो भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कांकरेज गौ माता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वतीय इलाका है, और यहाँ पर नजारा बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पर पूरे दिन ये कांकरेज गौ माता यहाँ पर जंगल में ही चरती है। और भाइयों, हम पहली बार यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जो कांकरेज की जो फेमस कच्छी जो कांकरेज है वो यहाँ पर अपन दिखाने की कोशिश करते है। तो भाई आप हमें बताए, कितनी गौ माता यहाँ पर फिलहाल दूध दे रही है? यहाँ पे 45 गाय है अभी दूध दे रही है। अच्छा, और कितना दूध होता है? दूध होता है 99-95 लीटर होता है एक टाइम का। एक टाइम का। अच्छा, और आप अभी जा रहे हैं? अभी जा रही है गाय चरने के लिए। चरने के लिए जा रही है, तो कितने बजे आप आएंगे वापस? ये गाय आएंगी 5:30 बजे पास मिल्किंग पे पहुँच आएंगी। आप अभी 5:30 शाम को आएगी? शाम को आएंगी। और मिल्किंग हो चुका? अभी सुबह का मिल्किंग हो चुका है। कितने बजे होता है ये? होता है 5 से लेकर 7 बजे तक होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे। हाँ, और आप ये जो चाचा खड़े वो कौन है आपके? वो हमारे पिताजी है। अच्छा, उनका नाम है रबारी भोपासरी ममो हीरा। अच्छा, हाँ, और आप उनके बेटे हैं? हम आप ये दो जने गायों को संभालते हैं? नहीं, हम 3 जने। और जो सारा दिन इनको चराता है वो ग्वार अभी गया है अपने घर पे, अपने टिफिन बांधने नहाने धोने बाद आएगा। अच्छा, और आप रहते कहाँ पर है? हम गंगोण रहते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और गाय यहाँ पर जंगल में रहती है? जंगल में रहती है। अच्छा, और आप
वहाँ पर घर पे जाते हैं शाम? हाँ, शाम को हम एक यहाँ से कंप्लीट मिल्किंग करके बाद में घर चले जाते हैं। हमने कैयारी गए थे अभी। हाँ। और कैयारी वाले नाइट को भी गाय चरवाते हैं। हाँ। ठीक है, दूध निकालने के बाद नाइट में भी गाय जंगल में चली जाती है, तो आप नाइट में चरवाते या नहीं चरवाते? नाइट में हम अभी नहीं चरवाते, जब चौमासे की सीजन होती है तब हम चराते। अच्छा। बाद में हमारे साइड ये सब साइड में खेती बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसके कारण हम रात को नहीं चराते। अच्छा अच्छा, यहाँ पर थोड़ा खेती वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है, इस साइड पे यहाँ जो इसकी बाढ़ होती है वो थोड़ी कम कम होती है, तो इसके अंदर गाय घुसने की शक्यता रहती है। अच्छा अच्छा, इसलिए। और ये थोड़ा डेंजरस इलाका है, कोई जंगली जानवर? कोई जानवर हमारे साइड, वो जाओ सामने दिख रहा है वो रोआ फोर्ट, वहाँ पे 3 खन चित्ते है जिसका त्रास है उन साइड, लेकिन यहाँ पर कभी इसका पाँव के निशान देखे, लेकिन आज तक आया नहीं है, ऐसे गायों के अटक नहीं किया है। अच्छा। हाँ। और ये कांकरेज गाय पे अटक कर भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही खूंखार होती है, जैसे कि वो जानवर इससे डर जाते है। सही बात है। देखो भाई, ये लाखिया की बेटी है जो यहाँ पर आ रही है ना, वो 20-20 वो भी लाखिया की है। और आपके पास कौन सा बुल है? अभी हमारे पास लाखिया बुल है, दूसरा जो अभी डालिया जो ब्लैक में जो बिका है 861,000 में, उसका बछड़ा है। अच्छा। हाँ, 861,000 उसका बछड़ा है? उसका बछड़ा है। तो आपने कहाँ से लाया था वो? हमने लाया था रिकोकरेट में। अच्छा। देखो भाई क्या बात है, नजारा देखो भाइयों, वाह वाह वाह, ये आवाज बस काफी है भाई, अब तो भाग्यशाली है कि इतने गायों के साथ रहते हैं। ओ, अगले जन्म की कोई कमाई होती है तभी इसमें हमें जन्म मिला है। जी 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 भाई, आप हमें बताएं। हाँ। जैसे कि आप पूरे दिन ये गायों को चरवाते हैं। हाँ। तो कितना मुश्किल काम है आपका, थोड़ा बताएं। ये तो बहुत कठिन है। वैसे हमारे सियारे की जो सीजन है होती है, इसमें आधा सियारा हम इस जंगल पे गायों निकाल देती है। अच्छा। घास में, बाद में उनारा होता है, जब उनारा आता है उनारे गर्मी के मौसम में हमें चारा खुद इसके लिए लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो वो कहाँ से लाते हैं? वो हम ये पास में गाँव है के यहाँ कोई चारा डायरेक्ट स्टॉक में ले लेते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या रेट मिलता है चारा? वो इतने गायों को तो चारा ये लाकर खिलाना तो मुश्किल होता है भाई। मुश्किल होता है, पर क्या करें यार। अच्छा, करना पड़ता है। ये लाखिया की है? या लाखिया की। अभी ब्याई हुई है? नहीं, अभी ये अभी ब्याएगी, 6 महीने की वित्रु है। अच्छा, 6 महीने की गाभिन है? गाभिन है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भाई, ये पूरा कच्छ का इलाका है और यहाँ पर सभी गऊ माता यहाँ पर जा रही है, देख सकते हैं भाई आपके पास सबसे अच्छा कौन से बुल का रिजल्ट है? हमारे पास एक, हम अभी ये लाखिया अभी जो वाइट गया उसका तो अच्छा रिजल्ट है, इसके पहले भी एक लाखिया था। अच्छा। वो जो लक्ष्मण भगत है न? अच्छा। लक्ष्मण भगत के पास हमारे लाखी गाय का। लक्ष्मण भगत कहाँ के? वो अभी राजस्थान के है। अच्छा। और जो अपने जो यहाँ पर जो आपके पास जो प्रोविजन है वो लाखिया की माँ लाखी वो कहाँ पर है अभी? वो लाखी जो अभी इस व्हाइट की है उसकी व्हाइट वाली अभी आपके पास जो रिजल्ट है अच्छे वो लाखी अब हरियाणा में जो अमीर भाई है उसके पास है लाखी। अच्छा अच्छा अच्छा। लाखी क्या दूध क्षमता क्या दूध देती है? 7 लीटर दैनिक, मतलब 1 टक का 7 लीटर। अच्छा। और 2 टक का 14 लीटर दूध होता है उसका लाखी का। अच्छा अच्छा अच्छा, देख सकते हैं भाइयों, तो अपन अब पूरे जंगल में फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पर वीडियो का समापन करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेन फोकस यहाँ पर लाखिया का बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कांपते, तो यही दिखाना मेन हमारा फोकस था। तो भाई कितनी इनकम हो जाती है, हम थोड़ा यहाँ पर भी देखें भाई, ये दूध अपना पूरा कहाँ पर जाता है? ये हमारा यहाँ पर विभा पर डेयरी है, शरद डेयरी पर। क्या रेट में जाता है वो? 45-47 भाव आता है 1 लीटर का दैनिक। अच्छा। हाँ। और कुछ बेनिफिट वो एक्स्ट्रा जो मुनाफा बाद में देते वो देते हैं क्या? वो बोनस मिलती है ना। कितने मिलती? 2 लाख से 1.5 लाख तक मिलती है। अच्छा। लाखिया की यहाँ पर जो आपके पास बछड़िया है काप है उसकी कीमत क्या हो सकती है? वो अभी तक तो हमने इसे बेची भी नहीं है कोई भी लाखिया की उल्की। अच्छा। अभी तक कोई नहीं बेची। तो भी अंदाज बताए कीमत क्या हो सकती है इसकी? 1 लाख 1.5 लाख हो सकती है इसकी। इतना आसपास हो सकती है। हाँ।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमारे साथ जुड़कर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सो आपको तहे दिल से धन्यवाद। मित्रों यहाँ पर गाय जा चुकी है, ठीक है, और भाई को अपन यहाँ पर रोकना नहीं चाहते क्योंकि गायों की सेवा करते हैं। तो भाई खूब खूब नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अपन जल्द एक नए वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।